ओके जी, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम लोग जो है वो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं एनिमेलिया का, और वैरायटी ऑफ लाइफ में हमारे पास, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर जो है वो हमारे पास पांच चैप्टर जो है वो मर्ज है, और उन्हीं में एनिमेलिया वाला जो है हमारा जो पोर्शन है। अब इसमें भी कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि आप लोगों ने चैप्टर सारा नहीं करना, ठीक है। जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, ठीक है, या जो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वही आप लोगों ने करने, इससे हट के आपने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है, ठीक है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये चैप्टर जो है वो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ने एफएससी में पढ़ा नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि जो आपको पढ़ा रहा हूँगा आपने उसी चीज के ऊपर जो है वो फोकस जो है वो रखना है, ठीक हो गया। ओके जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास एनिमल या एनिमिलिया के हवाले से, ठीक है। जो सबसे पहले तो हम जनरल फीचर लेते हैं, ठीक है, एनिमल्स के, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का जो वर्ड एक्चुअल में है, ठीक है, ये याद रख लेगा हमारे पास एनिमा से जो है वो क्या है, डिराइव्ड है एनिमा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं सोल या सिंपल ब्रेथ, यानी वो आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि एक्चुअल में जिसमें सोल है, या जो एक्चुअल में ब्रीदिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। जनरल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एनिमल क्या क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है वो इसमें यूक्रियोट्स होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारे पास इंजेस्टिव होता है, ठीक है, डाइजेशन जो कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक हो गया। इसी तरह जो एक मोस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि जो इनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है आप कह लें, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि डिवेल्प फ्रॉम, ठीक है, डिवेल्प फ्रॉम टू, आप कह सकते हैं डिफरेंट, आप कह सकते हैं जाइगोट कह लें, या इसको हम है कह सकते हैं हेट्रो हेट्रोगेमिट्स कह लें। हेट्रोगेमिट्स में आपको पता है कि स्पर्म प्लस एग की फ्यूजन होती है, ठीक हो गया, जिसके रिजल्ट में जो है वो इनकी ब्रदर जाइगोट बन रहा है। जाइगोट जो है उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रदर डेवलपमेंट जो है वो चल रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास जो फाइलम दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास आपको फाइलम्स में हमारे पास पहला जो फाइलम है वो है फाइलम पोरिफेरा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है आप कह लें कि नहीं, फाइलम हमारे पास इसका है नाइडेरिया, नाइडेरिया है। उसके बाद फाइलम प्लेटी हेलमिंथस है, ठीक हो गया। फोर पे हमारे पास फाइलम एस, ठीक है, हेलमिंथीस है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है वो फाइलम आ जाता है आपका मोलिस्का, उसके बाद है एनिलीडा, उसके बाद है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है आपका जो है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद जो है वो कॉर्डेटा है, ठीक हो गया। और लास्ट वन है जी हमारे पास हेमी कॉर्डेटा, ठीक है, हेमी कॉर्डेटा। ये पांच टोटल 10 हमारे पास जो है वो फाइलम बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो 10 फाइलम है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इन फाइलम को किस तरह से डिजाइन किया गया है, किस तरह से मतलब इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है, किस तरह से हमारे पास इनको फर्दर, ये जो फाइलम बने जा रहे हैं पोरिफेरा है, नाइडेरिया है, इसके अंदर जो वो डिविजन आ रही है, ठीक है, तो उस हवाले से कुछ आप कह सकते हैं फीचर्स हैं जो कि आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है, इसमें अगर मैं इसको सिंपल अगर ये कहूँ कि ये जो आपको फाइलम आ रहे हैं इनकी कुछ बेसिस हैं, ठीक हो गया, इनकी कुछ बेसिस हैं, और वो बेसिस क्या हैं जिनकी बेस पे क्या किया जा रहा है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो की जा रही है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक्चुअल में जो आ रही है बेसिस, ठीक है, यानी बेसिस ऑफ कह सकते हैं ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो वो हमारे पास याद रखिएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहली, टोटल ओवरऑल 4 है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहली आ जाती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। आप इसको मल्टी सेलुलैरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलैरिटी, ये क्या होती है आगे मैं डिस्कस करता हूं। इसी तरह हमारे पास
दूसरी चीज आ जाती है इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद या मल्टी सेलुलरिटी के बाद, वो आ जाती है सिमेट्री, ठीक हो गया। थर्ड जो चीज आ जाती है वो आ जाती है बॉडी कैविटी, ठीक है, या इसको हम सिलोम भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक हो गया, COELM, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वन जो है वो हमारे पास आ जाएगी आप लोगों की, इसको हम कहेंगे आपकी जो है वो सेल डिविजन कह सकते हैं, या सेल क्लीवेज जो है वो आप कह सकते हैं, ठीक है। ये चार जो है आपने जो है वो जो बेसिस है क्लासिफिकेशन के, ये चार बेसिस पे क्या किया गया है, एनिमल्स को इन 10 फाइलम के अंदर जो वो डिवाइड किया गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं पहले एक जनरल सा स्केच बनाता हूँ, फिर उस स्केच को हम क्या करते जाएंगे, कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, उसके अंदर चीजें फर्दर ऐड करते जाएंगे, ठीक हो गया, तो वो आप लोगों को होपफुली जो है वो याद रहेगा। अच्छा, अब मैं इसको जो है क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा जरा, ठीक है, हमारे पास अगर आपको एनसीक्यू आता है कि जी जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो उनका आप कह सकते हैं कि जो है आपका, इसको मैं एमसीक्यू उसको दूसरी साइड पे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको एनसीक्यू आ जाता है कि जी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका जो है एंसेस्टर्स, ठीक है, एंसेस्टर्स जो है वो क्या है, तो आपने याद रखना है प्रोटोपिस्टा, ठीक है, प्रोटोपिस्टा हो गया, या इसको आप प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं, ठीक हो गया, प्रोटिस्टा। तो ये याद रखने कि प्रोटिस्टा हो गया या प्रोटोपिस्टा हो गया, ये हमारे पास क्या है, एनिमल्स के एंसेस्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, यानी आप ये कह लें कि जो अमीबा है, ठीक है, जो पैरामीशियम है, ठीक हो गया, ठीक है, या अदर हमारे पास जो प्रोटिस्ट है, ठीक है, जो हमने चैप्टर में भी पीछे पढ़ के आए हैं कि जी प्लांट लाइक होते हैं, ठीक हो गया, एनिमल लाइक हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एनिमल लाइक थे ना प्रोटिस्ट, जिसको आपने प्रोटोजोआ का भी नाम दिया था, ठीक है, ये प्रोटोजोआ एक्चुअल में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कि जी ये एंसेस्टर्स हैं किन के, मॉडर्न एनिमल्स के, ठीक हो गया। तो ये एक चीज है वो याद रखनी है आपने, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है कि जी जो हमारे पास करंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स क्या है, तो आपने याद रखना है हमारे पास के वो क्या है जी, प्रोटोजोआ है या प्रोटिस्टा है या प्रोटोक्रिस्टा है, ये सारी टर्म जो है वो आपने पता होनी चाहिए, एक ही चीज है तीनों, प्रोटोक्रिस्टा, प्रोटिस्टा या एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसको हमने कहा जी प्रोटोजोआ, ये तीनों ऑलमोस्ट जो है वो एक ही चीजें कंसिडर की जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये प्रोटोजोआ को याद रखना है, ये आगे भी हमारे पास टर्म आएगी, तो वहां पे बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है और परेशान भी नहीं होना कि पता नहीं ये अब जो है वो क्या इसका सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ लेके जाता हूँ, तो हमने अभी क्या कहा कि हमने चार बेसिस पढ़ी है, तो अब हमारे पास नॉर्मली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, लिविंग, इसको साथ साथ नोट करिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, थ्री मेजर ग्रुप्स के अंदर, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आप लोगों की है, सिंपल आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है आर्किया, ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाती है यूकेरिया, ठीक। यूकेरिया यानी जो यूक्रियोट्स हैं उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी प्रोटोक्रिस्टा, ठीक है, प्रोटोक्रिस्टा। अब क्या हुआ, हमने कहा बैक्टीरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आर्किया है हमने पढ़ा, ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा यूकेरिया, इसको आप जो है वो प्रोक्रियोट भी जो है वो कह देते हैं, मगर यहाँ पे जो थर्ड टर्म आ रही है वो है प्रोटिस्टा या प्रोटोक्रिस्टा भी आप इसको कह सकते हैं, मैंने बताया, ठीक है, प्रोटोक्रिस्टा या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। नाउ अब फर्दर मूव करते हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है इनको फर्दर हम क्या कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसका स्केच यहाँ पे इसको मैं आगे करता हूँ, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, इसको मैं आगे करता हूँ, और वो है जी प्रोटोक्रिस्टा, ठीक है, एंसेस्टर्स, और मैंने कहा कि जी प्रोटोक्रिस्टा को हम क्या करते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी हमारे पास ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी मल्टी सेलुलरिटी, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं पुट करता हूँ कि जी आपका है जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन कर लें, ठीक हो गया, या मैंने आपको कहा इसको मल्टी
सेलुलरिटी जो है वो कर ले, ठीक हो गया। नाउ अब जो ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टी सेलुलरिटी है, इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोटोकिस्टा एनिमल्स को दो ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, और उसमें सबसे पहला ग्रुप आ जाता है यूमेटाजोआ, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं पैराजोआ। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया कि प्रोटोकिस्टा को हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं, फिर हम इसको प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं। तो डोंट मिक्स प्रोटोजोआ विद द पैराजोआ। पैराजोआ इज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं एनिमल, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल जो है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसको प्रोटो पैराजोआ को आपने प्रोटोजोआ के साथ जो है वो मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी फिलहाल मैं स्केच को आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसको जरा अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है, कि जो यूमेटाजोआ है और पैराजोआ है, ठीक है, यूमेटाजोआ के अंदर सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं लिविंग जो है वो एनिमल जो है वो आ जाते हैं, ठीक हो गया। यानी इसमें आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पैराजोआ है इसमें सिंपलेस्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक हो गया। इसमें कोई नो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास नो डिवेल्प्ड, ठीक है, ऑर्गन्स, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो नहीं होते हैं, ईयर, हार्ट या इस तरह से आप कह लें, ठीक है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सिंपलेस्ट जो है वो होते हैं, ठीक हो गया। और एक और टर्म आ जाती है इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, वो है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक हो गया। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ फिलहाल। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम बात करते हैं यूमेटाजोआ की, तो यूमेटाजोआ इनके टोटली ऑपोजिट आ जाएगा, यानी ये अगर सिंपलेस्ट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि देयर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप कह सकते हैं जी इनके अंदर जो है वो डिवेल्प ऑर्गन नहीं है, तो इनके अंदर जो है वो फुल्ली आप कह सकते हैं या डिवेल्प, ठीक है, डिवेल्प ऑर्गन जो है वो हमारे पास क्या है, मौजूद है। और यहाँ पे ये अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास जो यूमेटाजोआ होते हैं ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लो मतलब थ्री और डिप्लो मींस टू, यानी टू लेयर जो है वो स्ट्रक्चर्स, और ये क्या होंगे, थ्री लेयर्स, ठीक हो गया। यानी इनकी जो बॉडी है वो हमारे पास तीन लेयर से जो है वो एक्चुअल में मिलकर बनी होती है। नाउ अब ये टू लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो टू लेयर्स का मतलब क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको आगे हम स्ट्रक्चरली भी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एक दफा जनरली थोड़ी सी चीजें जो है वो याद रखें। अच्छा, उसके बाद यूमेटाजोआ की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा जो यूमेटाजोआ है उसको फर्दर हम क्या करते हैं, जो सेकेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बॉडी सेकेंड हमारे पास जो रूल था वो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सिमिट्री, ठीक हो गया। तो सिमिट्री हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं जी, सिमिट्री की बेस पे हम जो है वो यूमेटाजोआ को फर्दर डिवाइड करते हैं। अब पैराजोआ को फर्दर हम डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं सिमिट्री की बेस पे यूमेटाजोआ को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, और वो हमारे पास आ जाता है कि दो तरह से फर्दर डिवीजन आ जाती है, एक हमारे पास है रेडिएटा और एक हमारे पास है जिसको हम कह देते हैं बाइलेट्रिया, ठीक हो गया, रेडिएटा हो गया एंड दूसरा हमारे पास क्या हो गया, बाइलेट्रिया हो गया, किस बेस पे, सिमिट्री की बेस पे। अब सिमिट्री क्या होती है, किस तरह से होती है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल जनरल स्केच आपने जो है वो जरा तवज्जो से देखना है। अच्छा, अब हमने कहा रेडिएटा, रेडिएटा को फर्दर हम डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, जो बाइलेट्रिया है इसको फर्दर हम क्या करते हैं, आप कह सकते हैं डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड बॉडी, थर्ड जो है वो आपकी बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और वो हमने क्या पढ़ा था, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बेस पे, ठीक है, बॉडी कैविटी की बेस पे हम क्या करते हैं, इसको फर्दर तीन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं जिन्हें हम क्या देते हैं, सिलोमेट, दूसरा होता है जी ए सिलोमेट, ठीक हो गया, और थर्ड वन इज सॉरी यहाँ पे सोडो सिलोमेट कर देते हैं पहले, ठीक है, सोडो सिलोमेट, ठीक हो गया, और हमारे पास लास्ट वन इज इसमें आ जाएगा ए सिलोमेट, COELOMAT, ठीक हो गया, ए सिलोमेट। नाउ अब जो ये पहली हो गई, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी होगी हमारे पास जो आपकी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये तीसरी होगी हमारे पास बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी की बेस पे हमने कह दिया जी
सिलोमेट, सोडो सिलोमेट एंड ए सिलोमेट आ जाते हैं। अब हमारे पास जो याद रखिएगा जो सिलोमेट है इनको भी फर्दर डिवाइड करते हैं। अब इनको कैसे डिवाइड करेंगे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। हमने कहा जो सिलोमेट है उसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे और वो जो फोर्थ बेस हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी थी आपको याद होगा सेल क्लीवेज, ठीक हो गया। तो सेल क्लीवेज की बेस पे हम क्या करते हैं सिलोमेट्स को फर्दर आप कह सकते हैं दो ग्रुप्स में जो है वो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। उसमें जो पहला ग्रुप हमारे पास आ जाता है उसको हम कह देते हैं ड्यूट्रोमाइकोटा, ठीक हो गया, सॉरी ड्यूट्रोसोम्स, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास जो है वो आ जाता है उसे हम कह देते हैं प्रोटीरोस्टोम्स कह लें या सोम्स कह लें, एक ही चीज है, ठीक है। इसमें एस टी भी ना लगे तो कोई इशू नहीं है। नाउ अब जरा तवज्जो करिएगा, ठीक है, यहां तक हमारे पास ये चारों ये फोर्थ क्लासिफिकेशन की बेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। यानी फोर्थ हमारे पास जो है वो बेस है और बेस जिसकी बेस पे आपने क्या कर दिया लिविंग और एनिमल्स को जो है वो आप कह सकते हैं कि क्लासिफाई कर दिया। अब यहां से मैं क्या करता हूं याद रखिएगा, मैं इनको असाइन करने लगा हूं क्या चीज, और वो हमारे पास असाइनिंग है किस चीज की, फाइलम की। कौन से फाइलम, ये जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं 10 फाइलम, ये 10 फाइलम को मैंने उठाया और उठा के मैंने क्या किया इस कैच के ऊपर जो वो फेंक दिया। तो याद रखिएगा फाइलम जो जो हमारे पास पैराजोआ है पहले, इसमें जो फाइलम आ जाता है उसमें फाइलम आता है जी पोरीफेरा, ठीक हो गया, ये आ गया जी फर्स्ट फाइलम। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो यहाँ पे रेडिएटा था इसमें फाइलम आ जाता है नाइडेरिया, ठीक हो गया, ये आपका दूसरा फाइलम कवर हो गया। उसके बाद जो ए सिलोमेट है इसमें जो आपका फाइलम एक्चुअल में आ जाता है, ठीक हो गया, उसको हम कह देते हैं फाइलम प्लेटी, ठीक है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस, ठीक हो गया। उसके बाद जो सोडो सिलोमेट है इसके अंदर जो आपका फाइलम आ जाता है उसको हम कह देते हैं जो हमने थर्ड में पढ़ा था एस हेलमिंथीस, ठीक हो गया। नाउ इसी तरह आगे मूव करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ड्यूट्रोस्टोम आ गया। तो याद रखिएगा ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर हमारे पास जो है वो 3 फाइलम जो है वो आ जाते हैं, और हमारे पास सबसे पहला है जी मोलिस्का, उसके बाद है जी एनिलिडा, ठीक हो गया, उसके बाद है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, ठीक हो गया आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद जो प्रोटोस्टोम्स हैं इनके अंदर भी 3 ग्रुप 3 जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं फाइलम आ जाते हैं, ठीक है, और वो 3 फाइलम हमारे पास जो रिमेनिंग रह गए हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। और उसके अंदर हमारे पास कौन सा आ जाता है जी आपका, देखिए उल्टा हो गया है इसमें, जस्ट अ मिनट, मोलिस्का आएगा नीचे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ड्यूट्रोस्टोम्स में हमारे पास आ जाते हैं कॉर्डेटा है, ठीक हो गया, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा है, ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो काइनोडर्मेटा है, जबकि प्रोटोस्टोम्स के अंदर आ जाएगा मोलिस्का, ठीक है, उसके बाद एनिलिडा, और उसके बाद हमारे पास आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास कितने फाइलम हो गए जी, 3 ये हो गए 6, उसके बाद यहां देखेंगे 7, उसके बाद 8, उसके बाद ये 9, और उसके बाद ये 10। अब ये स्केच मैंने क्यों बनाया है, ठीक है, इसको अब इसके एमसीक्यू जरा आप लोग वॉस अंडरस्टैंड में, सिर्फ पहले इसको जनरली, ये जनरल सा स्केच है, इसको आगे मैं कॉम्प्लेक्स भी करूंगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। फिलहाल के लिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि मैंने आपको क्या बताया, मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जी हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, आप लोगों ने जो अपने नोट्स के ऊपर जो ये स्केच बनाना है वो आपने एक ही स्केच बनाना है, ठीक है, यानी आप अपने जो बुक है ना पेज है आप उसको लैंडस्केप कर लीजिएगा, ठीक है, लैंडस्केप करके जो आपका रजिस्टर है ये नोट्स है, ठीक है, लैंडस्केप करके पेज को, तो उसके ऊपर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद प्रोटोपिस्टा आगे खत्म हो जाना था तो मैंने इसको अगले उसके पेज पे ले गया, प्रोटोपिस्टा से आगे आपने जो है वो ये लिखना है, उसके बाद ये कंटिन्यू करना है, फिर सिलोमेट के बाद आपने आगे इस तरह से कंटिन्यू जो है वो कर देना है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब जरा गौर से देखिएगा, अब एमसीक्यू इसमें से कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पहले इसको थोड़ा रिपीट करता हूँ उसके बाद इसके एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ जरा। हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बैक्टीरिया आर्किया यूकेरिया में डिवाइड करते हैं,
यूकेरिया को फर्दर प्रोटोपिस्टा प्रोटिस्टा यानी एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट है उनमें फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी इसमें फर्दर हमने कहा कि वो एंसेस्टर्स हैं, और चार हम बेसिस बनाते हैं। पहली बेसिस बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी, दूसरी बनाते हैं सिमेट्री, तीसरी हमारे पास जो है वो बना रहे होते हैं हमारे पास आपके आ जाती है बॉडी कैविटी, और चौथी हमारे पास है सेल क्लीवेज। तो पहले जो हमारे पास पहली ऑर्गेनाइजेशन उसकी बेस पर यूमेटाज हुआ और पैराजोम इसको डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो सिमेट्री की बेस पर उसको रेडिएटा और बायलिट्रिया में डिवाइड कर देते हैं। रेडी जो हमारे पास बॉडी कैविटी की बेस पे हम फर्दर इसको डिवाइड कर देते हैं सिलोमेट, सोडो सिलोमेट हो गया और ए सिलोमेट हो गया। उसके बाद इसको फर्दर हमने कहा जो सिलोमेट है इसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल क्लेवेज, तो उसमें हमारे पास आ जाता है ड्यूट्रोस्टोम्स एंड प्रोटिस्टोम्स, ठीक हो गया। ड्यूट्रोस्टोम में हमने कहा कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकैनोडर्मेटा आ जाता है, और प्रोटोस्टोम में मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा आ जाता है, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू जहां से जो वो पूछे जा सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपको पूछ सकता है कि जी जो आर्थ्रोपोड है, ठीक है, आर्थ्रोपोड है, इट बिलोंग्स टू, या इसको आर्थ्रोपोड बिलोंग्स टू, ठीक हो गया, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो उसमें अल्फा ऑप्शन अगर वो आपको दे देता है जी ड्यूट्रोस्टोम्स, ठीक हो गया, बीटा ऑप्शन दे देता है प्रोटोस्टोम्स, ठीक हो गया, चार्ली ऑप्शन आपको वो दे देता है जी फर्स्ट कलर आपका मैं कह देता हूं कि जी सोडोसिलोमेट, ठीक है, सोडोसिलोमेट, ठीक हो गया, और डेल्टा आपको देता है नॉन। तो उसमें आंसर हमारे पास क्या होगा, अब मोलस्का जो आर्थ्रोपोडा है वो किस में आ रहा है हमारे पास, ठीक है, आर्थ्रोपोडा किस में आ रहा है, प्रोटोरोस्टोम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीटा प्रोटोरोस्टोम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको पूछ सकते हैं एनिलिडा कौन से आप कह सकते हैं सेल क्लीवेज की बेस पे या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, पता होना चाहिए प्रोटोस्टोम्स। इसी तरह मोलस्का आ जाता है तो प्रोटोस्टोम, इकाइनोडर्मेटा आ जाता है ड्यूट्रोस्टोम, हेमिकॉर्डेटा आ जाता है अगेन ड्यूट्रोस्टोम, कॉर्डेटा आ जाता है अगेन हमारे पास ड्यूट्रोस्टोम आ जाएगा। अब इसमें एक और एमसीक्यू भी आ सकता है, वो क्या आ सकता है, वो पूछ सकते हैं जी कि जो हमारे पास मोलस्का है इट हैज, ठीक है, डैश बॉडी कैविटी, ठीक हो गया, और उसमें जो है वो अल्फा ऑप्शन दे देता है सिलोमेट, बीटा ऑप्शन दे देता है सोडोसिलोमेट, ठीक हो गया, चार्ली ऑप्शन दे देता है हमारे पास ए सिलोमेट, और डेल्टा ऑप्शन दे देता है नॉन। तो इसमें हमारे पास अब मोलस्का वापस उसी स्केच में देखें, मोलस्का बिलोंग करता है प्रोटोस्टोम से और ये बिलोंग कर रहा है किससे, सिलोमेट से, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिलोमेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपसे एमसी को पूछ सकता है, वो कहता है कि जी हमारे पास जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथस है, ठीक हो गया, ठीक है, इसमें कौन सी जो है वो बॉडी कैविटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा अगर हम अबव मूव करेंगे तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन यही है। तो अगर प्लेटी हेलमिंथस है तो प्लेटी हेलमिंथस में अभी पीछे पढ़ के आया है, प्लेटी हेलमिंथस जो है वो किसमें आ रहा होता था, ए सिलोमेट के अंदर आ रहा था। इसका मतलब क्या होगा कि ये किस में आ जाएगा, ए सिलोमेट के अंदर आ जाएगा, किसके लिए, प्लेटियल मेंथस के लिए, ठीक हो गया। इसी तरह आपसे पूछ लेते हैं कि जी ठीक है हमारे पास मैं कहता हूं कि जी मोलस्का जो है, ठीक है, मोलस्का, ठीक है, इट हैज, मोलस्का हैज, ठीक है, और अल्फा ऑप्शन हमारे पास जो है वो आ जाती है जी ट्रिप्लो ब्लास्टिक लेयर, ठीक हो गया, बीटा आपको आ जाता है डिप्लोब्लास्टिक लेयर, ठीक हो गया, चार्ली आपको आ जाता है जी फर्ज कर लें हमारे पास नो एनी लेयर फर्ज कर लें, ठीक हो गया, और डेल्टा आ जाता है हमारे पास मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो अब इसमें मोलस्का है, अब ये देखें स्केच को कहां तक उठा के ले जाएगा, यहां से मोलस्का था, अब मोलस्का को लिंक करें प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम को लिंक करेंगे इसके साथ सिलोमेट के साथ, सिलोमेट को फर्दर लिंक करेंगे आप, ठीक है, सिलोमेट को फर्दर लिंक करेंगे किसके साथ, बायलिट्रिया के साथ, बायलिट्रिया से फर्दर जाएगा यूमेटाजोआ, और वहां पे हम पढ़ गए हैं ट्रिप, इसका मतलब है कि यूमेटाजोआ के अंदर वो रेडिएटा हो, वो बायलिट्रिया हो, वो सिलोमेट हो, सोडोसिलोमेट हो, ए सिलोमेट हो, वो फाइलम के नाम हो, वो ड्यूट्रोस्टोम्स हो, वो प्रोटोस्टोम्स हो, वो कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकैनोडर्मेटा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा हो, याद रखना है ऑल विल बी
ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा आपको लिख देता हूं, हमने क्या कहा जी, वो मोलिस्का हो, एनिलीडा हो, ठीक हो गया, हमारे पास आर्थ्रोपोडा हो हमारे पास, ठीक हो गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रोटोस्टोम्स हो, या आप कह सकते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स हो, ठीक हो गया, या आप कह सकते हैं हमारे पास वो सिलोमेट हो, या वो सोडोसिलोमेट हो, ठीक हो गया, या वो एसिलोमेट हो, ठीक हो गया, या वो हमारे पास बाइलेट्रिया हो या रेडिएटा हो, इसका मतलब है ऑल विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी सब में जो है वो तीन लेयर जो है वो मस्ट होंगी, ठीक हो गया। इसी तरह आपको पूछ सकते हैं, वो आपसे कह सकते हैं जी, ठीक है, कि जी हमारे पास ये बताएं कि हमारे पास जो आपका है फाइलम पोरीफ्रा है, ठीक हो गया, फाइलम पोरीफ्रा है, ठीक है, उसमें वो कह देता है कि जी ये हमारे पास जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक हो गया, बीटा ऑप्शन डिप्लोब्लास्टिक एंड जो है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया, बीटा ऑप्शन दे देता है जी ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। चार्ली आपको कह सकता है जी डिप्लोब्लास्टिक एंड फर्स्ट करें यहां पे हम लिख देते हैं सिंपल, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। और डेल्टा हमारे पास हो सकता है जी, फर्स्ट कर ले मैं कहता हूं जी डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, ठीक हो गया। तो अब पोरीफ्रा है, तो पोरीफ्रा हम पीछे अभी क्या पढ़ के आए हैं, शाबाश, ये स्टार्ट में, तो फाइलम जो पैराजोआ था, पैराजोआ के अंदर पोरीफ्रा आया था फाइलम, हमने कहा ये सिंपल होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसका मतलब है ये इसका पोर्शन यानी यूमेटाजोआ का पोर्शन नहीं है, ये पैराजोआ सिर्फ इसी के अंदर आएगा और यही फीचर इस पर वो कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम अगर फर्दर मूव करते हैं तो हमने कहा पोरीफ्रा, तो इसमें आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, इसमें आंसर क्या होगा हमारे पास, डिप्लोब्लास्टिक एंड सिंपल जो है वो हमारे पास क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक हो गया। तो ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो इस स्केच से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि जी आर्थ्रोपोडा है, ये बताएं कि जी आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारे पास जो है वो सिंपली अगर हम कहें कि जी जो वो प्रोटोस्टोम होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रोटोस्टोम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको अगर वो कह देता है, यहाँ पे वापस जाते हैं, यहाँ पे आपको कहता है कि जो प्लेटीएलमेंथस है, अब यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, प्लेटीएलमेंथस जो है वो इसमें बॉडी कैविटी कौन सी है, ए सिलोमेट है, सोडोसिलोमेट है या सिलोमेट है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ए सिलोमेट जो आ जाएगा। इसी तरह एस एलिमेंथस की अगर हम बात करेंगे तो एस एलिमेंथस में कौन सी होती है जी, उसमें आपने याद रखना है सोडोसिलोमेट है, ठीक हो गया। सिलोमेट के अंदर आप भी हम आगे पढ़ के हैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम जो हमारे पास आ जाते हैं, और उसके अंदर सिलोमेट के अंदर मोलिस्का, एनिलीडा, ठीक हो गया, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, छह फाइलम जो है वो इसमें आते आ जाते हैं सिलोमेट के अंदर। फिर रेडिएटा है, आपसे पूछते हैं नाइडेरिया जी, नाइडेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, रेडिएटा किससे बिलोंग करता है जी, यूमेटाजोआ से या हमारे पास पैराजोआ से, ठीक है, मैं सिर्फ एक के जनरल फीचर लिखूंगा, आपने उससे आइडिया कर लेना है कि बाकी हमारे पास जो है वो किस तरह से, आपने इनके अलग अलग फीचर अपने नोट्स पे जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं, बना लेने हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक का लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है वो आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोडा जो है वो हमारे पास आपको पता है बिलोंग करता है किससे जी, फाइलम जो आपका है सेल क्लीवेज की बेस पे, प्रोटोस्टोम्स से, किस बेस पे, सेल क्लीवेज की बेस पे। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो आ जाता है, इसके अंदर जो है वो जी ये सिलोमिक कैविटी होती है, ठीक हो गया, उसके बाद यानी ये बॉडी कैविटी होगी इसकी, ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है वो सिलोमेट के अंदर हमने पीछे पढ़ा था बाइलेट्रिया, बाइलेट्रिया हो गया। फिर हमने पढ़ा था ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक हो गया,
इसी तरह फिर हमने पढ़ा था ये हमारे पास जो है ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है किससे जी, यू मेटाजोआ से, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास सिक्स ऑप्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास प्रोटोकिटिस्टा, ठीक हो गया, इससे जो है वो आ रहा था। तो ये अब याद रख लेंगे, देखें एक एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू, चौथा एमसीक्यू, पांचवा, छठा, तो इस स्केच के इसी तरह अगर आप मोलिस्का का लिखेंगे, ठीक है, इसके ये सारे सेम फीचर आ जाएंगे। इसी तरह एनिलिडा का लिखेंगे, ठीक हो गया, उसके ये सारे सेम फीचर आ जाएंगे। अगर मैं कहूंगा कॉर डेटा, ठीक हो गया, हेमी कॉर डेटा, ठीक हो गया, या इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, तो उसमें हम प्रोटोस्टोम्स की जगह पे ड्यूट्रोस्टोम्स कर देंगे, ठीक हो गया, ड्यूट्रोस्टोम्स कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे पास जो है वो ड्यूट्रोस्टोम्स के हवाले से जो चीजें हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक हो गया। बाकी फीचर जो है वो एज इट इज उसके वही रहेंगे, ठीक। तो इसी तरह आप जो है वो इंडिविजुअल जो फाइलम है उसके नंबर ऑफ एमसीक्यू, अब आपको आइडिया होगा कि ये जो हमारे पास स्केच है इस एक स्केच से नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है वो बनाए जा सकते हैं। हर एक से कम 15 से 20 एमसीक्यू जो है वो बना सकते हैं। आर्थ्रोपोड इससे ये आगे किससे है जी, ये बैकवर्ड से जो है वो फर्दर किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आपके माइंड में जो क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में अभी आपके लेता हूँ। फर्दर हम जो मूव करें और इसके अंदर जो है हमारे पास ये हमने यहाँ तक देख लिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जी सिमेट्री क्या होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो हमने पढ़ा कि जी जो पहली हमने पढ़ा था, सॉरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर की बेस आ जाती है कि जी उसमें किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है। सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे, सिमेट्री के अंदर हमने देखना है कि ये क्या चीजें होती हैं। थर्ड हमने देखना है कि जो हमारे पास सिलोम के हवाले से, या आप कह सकते हैं इसको बॉडी कैविटी के हवाले से, जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई किया था, ठीक है, थर्ड वन। और फोर्थ वन हमारे पास सेल, जो सेल क्लेवेज है, इसके बेस पे हम किस तरह से जो है वो क्या कर रहे थे, फर्दर एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई कर रहे थे। नाउ अब सिमेट्री को पढ़ने से पहले, ठीक है, सिमेट्री को पढ़ने से पहले चार जो है आपको टर्म्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें एक आ जाती है जिसको हम कह देते हैं एंटीरियर, ठीक है, सेकंड वन जो है वो आ जाती है पोस्टीरियर, ठीक हो गया, थर्ड वन हमारे पास आ जाती है डॉर्सल, और फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है वेंट्रल, ठीक है। ये चार टर्म्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अगर आपने सिमेट्री को पढ़ना है। और ये जब तक चार टर्म्स पता होंगी तब आपको सिमेट्री की समझ आएगी, और जब सिमेट्री की समझ आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि बाइलेटरिया और रेडिएटा हमारे पास जो हमने जो इसकी बेस पे हमने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई, लिविंग एनिमल को जो है वो क्लासिफाई किया था। जब तक आपको ये चारों टर्म्स पता नहीं आपको सिमेट्री का पता नहीं चलेगा, जब तक आपको सिमेट्री का नहीं पता चलेगा तब तक आप बाइलेटरिया और रेडिएटा का पता नहीं चलेगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो